तो तब मैं 10 लाख रुपया कैश अपने साथ लेके आई हूँ। उस 10 लाख का कोई वो ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं है कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, कि हमने इसका कड़ा बेच दिया। मेरे हस्बैंड ने 5 तोले का कड़ा पहना हुआ था और वो लुधियाना से मैंने ही भेजा था जम्मू अपने भाई के हाथ में। वो क्या करते हैं कि 2 लाख रुपया बयाना लेके मेरी जगह कोई और तरनप्रीत को खड़ा करके ये वहां से बयाना ले लेते हैं। जो मेरे हस्बैंड की गाड़ी है उसको भी 1,70,000 में ये जो इंद्रपाल है इसके छोटे भाई को बड़े भाई को बेच देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक शेर समाचार से। शादी के बाद बेटियां जब अपने ससुराल जाती हैं तो उन्हें बड़ा मान होता है कि वो जिस घर में जा रही हैं वो अब उसी की इज्जत की रखवाली भी करेंगी और वहां पर जो भी उनको दायित्व दिए जाएंगे वो निभाएंगे और उनकी परंपराएं भी अपनाएंगी। लेकिन कई बार ऐसी कहानियां, ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जहां पर ये पता चलता है कि शादी होने के बाद बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, कभी उनको मार दिया जाता है, कभी घर से निकाल दिया जाता है, तलाक दे दिए जाते हैं, कभी पति किसी और के साथ रिलेशन रखते हैं, तो बड़ी परेशानियां सामने आती हैं। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब के अंदर आज की गई है, तरनप्रीत कौर की तरफ से अब इनके साथ क्या घटना घटी है, ये जानीपुर की रहने वाली हैं और इनकी शादी जो है वो 1997 में हुई थी और इनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके साथ वहाँ पर क्या क्या घटित हो रहा है ये इन्हीं से जानेंगे। लेकिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ज़्यादा फोकस्ड किस बात पर है ये इनसे जान लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आज आपको नौबत आ रही है। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सबसे बड़ी ये कि मैं उस दिन PRO के ऑफिस गई हूँ जो रिफ्यूजियों का पैसा मिलता है। 3 हमारी हेयरिंग्स पड़ी हैं तो इन ये हेयरिंग्स पे आए नहीं। जब ये 4th हेयरिंग पे आते हैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरी छोटी ननद आती हैं कुलविंदर कौर सोनू और उनके हस्बैंड आते हैं इंद्रपाल सिंह बिट्टू, ये आते हैं और ये मैम के सामने ही मना कर देते हैं कि हम इसको इसका हिस्सा नहीं देंगे। क्यों हिस्सा क्यों नहीं देंगे? कहते कि ये मेरी बेटियों का हक है, इस पे बेटियों का कोई आपका लड़ाई झगड़ा पहले से चल रहा है? कुछ भी नहीं, ये बस ये जब मैं आपको बता रही हूँ 2014 में जिस दिन मेरे हस्बैंड की डेथ होती है 18 मई को, उस दिन रात से ही ये इश्यू स्टार्ट हो जाता है कि हमने इसका कड़ा बेच दिया। मेरे हस्बैंड ने 5 तोले का कड़ा पहना हुआ था और वो लुधियाना से मैंने ही भेजा था जम्मू अपने भाई के हाथ में। तो इन्होंने बोला कि हमने वो बेच दिया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम कहाँ से करेंगे 9 दिन या 10 दिन जो भी करने। तो मैंने इनको बोला चलें वो भी ठीक है। जब वो भी इन्होंने बेच दिया, फिर हम मेरे हस्बैंड के 2 घर थे तो बोलने लगे कि ये एक जानीपुर में था और एक सैनिक लोनी में था, तो जो सैनिक लोनी वाला था वो हाफ कंस्ट्रक्शन था, तो बोले कि इस पे कौन खर्चा करेगा, ये करेगा वो करेगा, इसको सेल आउट कर देते हैं। तो मैंने इनको बोला कि इसको बेचने की जरूरत नहीं है, कल को मेरे बच्चों के काम आएगा, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो कोई भी नहीं माना। फिर इन्होंने मेरे बेटे को बीच में जॉइंडिस हो जाता तो वो CNC तरकुटा नगर में एडमिट होता है। उस दौरान ये क्या करते हैं कि वहां पे मेरी जगह कोई और तरनप्रीत को खड़ा करके, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरा नंदोइया जो इंद्रपाल सिंह ये मेन बंदा है जो हर साइन हर डॉक्यूमेंट पे आपको इसके साइन मिलेंगे इंद्रपाल के, ये और एक मेरा मामा ससुर मंजीत सिंह और एक मेरा और जेठ ही लगते हैं, वो भी मेरे ब्रदर इन लॉ, वो कक्की, वो डगियाना से हैं। वो क्या करते हैं कि 2 लाख रुपया बयाना लेके मेरी जगह कोई और तरनप्रीत को खड़ा करके ये वहां से बयाना ले लेते हैं और ये घर आ जाते हैं। घर आके जो मेरे हस्बैंड की गाड़ी है उसको भी 1,70,000 में ये जो इंद्रपाल है इसके छोटे भाई को बड़े भाई को बेच देते हैं। उधर से वहां से 2 लाख रुपया बयाना ले लिया और यहाँ से इन्होंने ये गाड़ी भी, सेंट्रो गाड़ी है, इन्होंने ये भी सेल आउट कर दिया। 2014 की बात है, ये 2014 की बात है। फिर जब मैं घर आती हूँ तो डेली वो लड़ाई, अब वो सैनिक लोनी वाला घर बिक जाता है लेकिन मुझे नहीं पता उसके बारे में क्योंकि अभी डिसेंट मेरे हस्बैंड को 15-20 दिन हुए तो मैं तो घर से बाहर निकल नहीं सकती। फिर उसके बाद ये मेरे बेटे को जुलाई में एंडिंग में ये मेरे बेटे को एक स्कीम के तहत कि ये हमारे से नहीं कंट्रोल हो रहा क्योंकि हम घर पे लेडीज ही बच गई हैं, मैं हूँ, मेरी मदर इन लॉ गुरदयाल कौर और मेरी छोटी ननद है, एक छोटी से बड़ी वाली चरणजीत कौर चन्नी जो अनमैरिड है, उनकी शादी नहीं हुई, वो रह जाते हैं घर में और मेरी बेटी और मेरा बेटा, हमारे घर में कोई बड़ा जेंट्स नहीं है। तो वो ये स्कीम लड़ाते कि इसको नानी के यहाँ भेज दो, नानी और बुआ एक साथ ही रहती क्योंकि मेरी बड़ी जो ननद है, सबसे बड़ी ननद, वो मेरी चाची भी है, तो मेरे पेरेंट्स एक ही घर में रहते हैं, बीच में दीवारें नहीं है, तो उसके पास भेज दो, ये लोग देखेंगे, ये नानू से डरेगा, उनसे डरेगा तो ये उनके पास रहेगा। ये वहां चला जाता है, ठीक है, इसके ऊपर
आपने कोई कंप्लेंट उस समय की थी 2014 में? नहीं, मैंने 2014 में कोई कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि मुझे इनकी स्कीम का पता ही नहीं चल रहा था कि ये कुछ ऐसा करेंगे। फिर इन्होंने मुझे ऐसा, मैं डिप्रेशन में भी थी, मेरा बच्चा भी बीमार हो गया, मेरा हस्बैंड भी अचानक उनकी डेथ हो गई, कि वो ये नहीं कि कोई बड़े लंबे बीमार थे कुछ, एकदम से उनकी 10 दिन में वो बीमार हुए तो उनकी डेथ हो गई। तो मैं इतनी ज्यादा डिप्रेशन में थी, मुझे प्रॉब्लम्स भी बड़ी हो गई, हार्ट की भी हो गई, फिर थायराइड भी आ गया, ये वो सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी हो गई, उधर से बच्चा बीमार हो गया मेरा, तो मैं वैसे ही बड़ी डिस्टर्ब थी। तो इन्होंने डेली का वो इशू बनाया हुआ था कि जानीपुर वाला आप घर भेजो, सैनिक कॉलोनी वाला ये बेच चुके थे, मुझे नहीं पता था, अब ये चले गए थे जानीपुर वाला जी, वो JDA का है, कल को कोई ले लेगा उसको, जो वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है, तो वो वापस ले लेगा वो बंदा जिसके नाम पे। तो मुझे, क्योंकि मैं आफ्टर 18 इयर्स मैं नागालैंड से आई हूँ वापस, तो मुझे रूल रेगुलेशंस या ये कोर्ट वोट ये सब चीज़ें नहीं पता थी। तो आप नागालैंड में रहते? हाँ जी, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं 1997 में मेरी शादी हुई है और 1998 में मैं नागालैंड चली गई थी। फिर हम आते थे सिर्फ 10-15 दिन के लिए, जब बच्चों को छुट्टी होती थी दिसंबर में बस। उसके बाद हमने 2012 में यहाँ पे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे शिफ्ट किया, हमने वहाँ पे सारा अपना वैंड अप करके, जितना हमारा बिजनेस था हमने वहाँ पे बंद करके, हमारा पेट्रोल पंप था मेरे हस्बैंड का वहाँ पे, तो हमने 2012 में यहाँ पे आई है। 2012 में आए और 2014 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती है। क्योंकि तो इन लोगों को आपकी प्रॉपर्टी से प्रेम था या पति के डेथ होने के बाद ही ये सारा सिलसिला शुरू हो रहा है? जैसे पहले से ही इनको प्रॉपर्टी से था, क्योंकि मैं जब 2012 में यहाँ पे आई हूँ तो मैं इनके साथ रेगुलर रहना शुरू हुई हूँ, क्योंकि पहले तो मैं आती थी 10-15 दिन, 1 महीना या 2 महीने, तो कभी इनसे इतना इन सब चीज़ों का नहीं पता चला। इन्होंने 2012 से लेकर 2014 तक इन्होंने मेरे हस्बैंड को बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाने दिया। मेरे हस्बैंड का अकाउंट नहीं था यहाँ पे जम्मू में, क्योंकि वहाँ से नागालैंड से जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती थी वो सब इनके अकाउंट्स में होती थी। जब यहाँ पे आके मेरे हस्बैंड डेली इसी बात को लेके इशू बनता था कि मुझे बैंक JK बैंक में अकाउंट खुलवाना है, लेकिन मेरे हस्बैंड को परमिशन नहीं मिली इस चीज़ की, ना मेरी मदर इन लॉ ने दी और ना ही मेरी सिस्टर इन लॉज ने दी, क्योंकि मेरा जो हस्बैंड थे वो अकेले भाई थे 4 बहनों के, तो बहुत ज़्यादा वो थे, अपनी सिस्टर्स के साथ अटैच थे बहुत ज़्यादा, जैसे सिस्टर्स कहती थी वैसे ही वो चलते थे, उनका बहुत ज़्यादा बॉन्ड था अपनी मदर और अपनी उनके साथ। फिर लास्ट में जब रोते रोते बड़ा हो गया तो फिर इन्होंने देहाती बैंक, आप देख सकते हैं वो उधर तालाब खड़िका में ही है वो देहाती बैंक, उधर खोलने की परमिशन मिली मेरे हस्बैंड को कि आप यहाँ पे खोल लो, वहाँ पे आप ज़्यादा पैसा नहीं रख सकते। और जबकि मैं जब नागालैंड से आई हूँ तो तब मैं 10 लाख रुपया कैश अपने साथ लेके आई हूँ, उस 10 लाख का कोई वो ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं है कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ठीक है। और उसके बाद जो इनके अकाउंट्स में इतने सालों से 88 से लेके 2012 तक मेरे हस्बैंड ने जो वहाँ पे काम किया, हमारा अपना पेट्रोल पंप था तो वहाँ पे जो काम किया, वो जो इनकम आई है वहाँ से जो पैसा आया उसका कोई वो नहीं है, पता ही नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं, कहते जी हमें आया ही नहीं है पैसा। आपके पति की डेथ कैसे हुई? बस यही टेंशन्स, घर पे डेली की लड़ाई, डेली की टेंशन, क्योंकि वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा बिजनेस था नागालैंड में, और यहाँ पे इन्होंने फोर्सफुली मेरे हस्बैंड को यहाँ पे बुलाया था, मेरी सिस्टर इन लॉ है कमलजीत कौर जो एक गवर्नमेंट टीचर है, मनमीत सिंह की वाइफ है वो, तो वो कहने लगी जी, उस टाइम तरलोचन सिंह वजीर नए नए छूट के आए थे जेल से ना, तो वो कहने लगे जी आप यहाँ पे आ जाओ, हम मोंटो, मेरे हस्बैंड का नाम मोंटो था निकनेम, उनको भी बिजनेस खोल के देंगे, और मेरी बेटी ये वो वहाँ पे कैथलिक स्कूल में पढ़ती थी क्योंकि वहाँ पे कैथलिक स्कूल है, तो हम यहाँ पे इसको प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में इसको एडमिशन, तरलोचन सिंह वजीर के कहने पे यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी इसको प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में, और मम्मी से काम नहीं होता तो आप यहाँ पे आ जाओ। जब हम यहाँ पे आए मेरे हस्बैंड का कोई काम नहीं बना, क्योंकि सारे, मनमीत सिंह टाटा में काम करता था, वो टाटा को लूट के खा चुका था, उसकी जॉब जा चुकी थी। जो सबसे बड़ा मेरा नंदोईया, वो मेरे चाचा भी हैं, उन्होंने शुरू से काम नहीं किया, वो मेरे हस्बैंड के ही पैसों पे डिपेंड थे, मेरे चाचा चाची और उनका बेटा, उनकी बेटी की भी शादी मेरे हस्बैंड ने ही करवाई है, ये आप हमारे समाज में किसी से भी जाके पूछ सकते हो। फर्स्ट कंप्लेंट आपकी तरफ से कब फाइल की? 2016 में। अच्छा। जब ये बटोत जाते हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ जाती है कमलजीत कौर, कुलविंदर कौर, और इनके हस्बैंड जाते हैं मनमीत सिंह बिट्टा और इंद्रपाल सिंह बिट्टू, ये वहाँ पे जाते हैं बटोत, और बटोत पटवारी को बोलते हैं, वहाँ पे हमारी एक 33 कनाल 13 मरले एक जमीन है और 9 कनाल 14 मरले एक जमीन है, वो मेरे हस्बैंड के नाम की है, क्योंकि 88 में जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ होती है तो उसके बाद ही मेरी मदर इन लॉ ने अपनी मर्जी से वो प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड के नाम कर दी। जब मेरे हस्बैंड 21 या 22 इयर्स के हुए होंगे तो उन्होंने अपनी मर्जी से, ये डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से मेरे हस्बैंड के नाम पे ये प्रॉपर्टी कर दी। लेकिन ये क्या करते हैं, वहां जाके बोलते हैं पटवारी को कि बेटा भी मर गया, बहू भी मर गई एक्सीडेंट में, और दोनों बच्चे भी मर गए। अच्छा।
हाँ जी, वहाँ बोलते तो वो पटवारी, जो मुस्लिम पटवारी है वहाँ पे, वो मुझे कॉल करते हैं। वहाँ पे एक जो मनमीत सिंह है, उन्हीं के कजन बैठे हुए थे वहाँ पे। उन्होंने जब देखा कि ये इसके बारे में बोल रहे हैं मेरे बारे में, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड को 2-1 महीने हुए थे, तो उन्होंने हमें, मेरे पापा को उन्होंने कॉल करके बोला कि आप इसको तन्नू को लेके, मेरा नाम तन्नू है, आप तन्नू को लेके, उसके बच्चों को लेके, और शादी का अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई शादी की कोई फोटोज है, लेके आप फटाफट आ जाओ। तब मैं स्टेट टाइम्स में ही काम कर रही थी। मैंने विवेक सर से बात की कि मैंने कहा सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले कोई बात नहीं तन्नू, लेकिन प्रूफ सारे लेके जाना। मैं यहाँ से अपनी फोटो एल्बम्स लेके यहाँ से मैं जाती हूँ बटोत, अपने बच्चों को लेके, पेरेंट्स को लेके मैं फटाफट बटोत पहुंचती हूँ। जब पटवारी मुझे देखता है, मेरे हस्बैंड के फोटोज देखता है, मैं प्रूफ देती हूँ, राशन कार्ड ये वो सब देती हूँ, तब उसको लगता है कि हाँ ये बंद। तब उसने मुझे बताया कि ये लोग आपको यहाँ पे मरा हुआ करके चले गए। लेकिन मुझे अपना दुख नहीं हुआ, लेकिन मुझे अपने बच्चों का बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मेरी एक ये बेटी थी, तब ये छोटी सी थी, फर्स्ट में पढ़ती थी, फर्स्ट की सेकंड में, मेरा बेटा 10th में पढ़ रहा था, जो मौत के मुंह से निकल के आया था, उसको जॉइंटिस हुआ था अपने पापा के गुजरने के बाद, वो शौक ही नहीं बर्दाश्त कर पाया मेरा बच्चा कि उसके फादर एकदम एक्सपायर हुए। तो उस बच्चे को मैं देख के फिर मैंने सोचा, फिर मैंने किसी से भी नहीं पूछा, मैं फिर वापस आई स्टेट टाइम्स में, मैंने सबसे बात की कि आप किसी लॉयर को जानते हैं, आप किसी लॉयर को जानते हैं? तो मेरी मैम है वहाँ पे एड सेक्शन में, एक सुषमा मैम, उन्होंने मुझे लॉयर सजेस्ट किया। मैं उनके पास गई, मैंने सारा उनको बताया, उन्होंने फिर ये मेरा केस फाइल हुआ पीरमिट्ठा थाना। मैं कोर्ट से पीरमिट्ठा थाने आई। कंप्लेन आप दिखा सकते हैं, हम कैमरा पे दिखा सकते हैं आपको? ये फर्स्ट कंप्लेन मैंने इनके खिलाफ की कि मेरा गोल्ड है, मेरी गाड़ी है, मेरी गन है, सब कुछ इनके पास है, और इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, जिसमें से सिर्फ एक गाड़ी रिकवर हुई, बाकी कुछ भी नहीं। आज तक मैं कोर्ट के चक्कर ही लगा रही हूँ, हेयरिंग्स पे ही जा रही हूँ। पुलिस ने कार्रवाई की थी तब? कुछ भी नहीं, वो उनको बुलाया उन्होंने, बस उनको बुलाया सिर्फ, फिर कुछ भी नहीं। फिर मैं डेली थाने के चक्कर लगाती रही, कभी सुबह कभी शाम, हाँ जी मैम आप ये कर दो, आओ मैम एक बारी जी, आप वो कहते हैं कि आप सब कुछ ले गए। मैंने कहा सर अगर मैं सब कुछ ले जाती तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं, जब आपने, इन्होंने मुझे घर से निकाला तो मेरे पास सिर्फ 1500 रुपया था, और मेरे पेरेंट्स घर से निकाला। हाँ इन्होंने मुझे घर से निकाला। अच्छा। इन्होंने स्कीम लगाई, इन्होंने पहले मेरे बेटे को निकाला कि इसको जॉइंटिस हो गया, हम नहीं, फिर मेरे को गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो गई, तो इन्होंने मेरी मदर को आके, मेरी सिस्टर इन लॉज ने बोला जो कमलजीत कौर है, कि हम तो नहीं सेवा कर सकते, आप भाभी को ले जाओ तो इसको ऑपरेट करवा दो। मतलब प्रेम से कहा कि ले जाओ? प्रेम से, बड़े प्यार से, कि आप इसको ले जाओ, कि आप इसको ले जाओ और इसका प्लीज आप ऑपरेट करवा दो, क्योंकि हम मौत हुई हुई है और मेरी मदर भी बड़ी परेशान है, तो हमें लगा कि मेरी मदर इन लॉ भी बूढ़ी है, तो अभी वो बेचारी भी कहां करेंगी, तो ये मेरी मदर मुझे अपने पास ले आई। तो गांधीनगर मेरा ऑपरेट हुआ, फिर बस ऑपरेट होने की देर थी, बस उसके बाद मुझे ना मेरी मदर इन लॉ देखने आई, ना मेरी सिस्टर इन लॉ जो चरणजीत को चन्नी जो घर पे है ना, मुझे वो देखने आई, वो मुझे देखने नहीं आई। फिर जो कमलजीत है, एक तो ननद मेरे साथ ही रहती है क्योंकि मेरी ऑब्वियसली मेरी चाची है वो, जो ये कमलजीत है ये अपने हस्बैंड के साथ डेली आती हैं, और डेली वही प्रॉपर्टी को लेके इनका झगड़ा, डेली प्रॉपर्टी को लेके। फिर इन्होंने प्लान किया मेरे बेटे को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, मेरे बेटे को कभी इन्होंने कुछ गालियां बोलना कि तेरा दिमाग नहीं, कभी कुछ, कभी मतलब से अजीब से वर्ड्स यूज करने कि जिससे वो हाइपर हो जाए मेरा बेटा, क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, कि ये हाइपर हो, इस बच्चे को भी थोड़ा, वो इतना ज्यादा हाइपर कर करके उसको, फिर मैंने उसको 2-3 बारी दादी के घर पे भेजा, मैंने बोला तू जा चक्कर लगा क्या, दादी से पूछ दादी क्या चाहिए। और उनके एक ही बात थी मेरी मदर इन लॉ की और मेरी सिस्टर की, तू अपनी माँ और बहन को छोड़ दे, तू हमारे पास आ जा, तेरे दादू की बड़ी प्रॉपर्टी है, तेरे बाप का बड़ा पैसा है, लेकिन तू इन दोनों को छोड़ के आ जा। फिर जब मेरा बेटा बड़ा परेशान हुआ तो उसने एक दिन बोला ठीक है दादी मैं अपनी माँ और बहन को छोड़ देता हूँ, आप अपनी 4 बेटियां छोड़ दो, तो मैं भी अपनी मदर और अपनी बहन को छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद उसने वहां पे जाना छोड़ दिया, फिर वो वहां पे नहीं गया। इसके बाद अब आगे कोई सेकंड कंप्लेंट भी आपकी तरफ से फाइल हुई नहीं? नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि कंप्लेंट का कोई फायदा ही नहीं ना। आप देखें ना, ये 2016 से ये केस चल रहा है मेरा, इसकी कोई सुनवाई नहीं है, तो आप बताएं ना आप क्या करेंगे केस करके दोबारा से? नहीं, अब आप 2021 में यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपको बता रही हूं ना कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इसलिए कर रही हूं कि मेरे पास एक लास्ट था कि ये जो रिफ्यूजियों का पैसा, कि अगर ये मेरी मदर इन लॉ अगर मुझे थोड़ा बहुत शेयर देती, क्योंकि मेरा सब कहते हैं सेकंड शेयर बनता है, तो मैंने बोला नहीं, मेरी एक सिस्टर इन लॉ घर पे है, अनमैरिड है, उसका भी हिस्सा बनता है, तो मेरा 3rd शेयर बनता है। तो मैंने बड़े डीसी ऑफिस के चक्कर लगाए,
मैं बड़ी बारी गई, मैं हेयरिंग पे जाती थी, ये लोग नहीं आते थे, क्योंकि इनको ये चीज पता था कि ये प्राइवेट जॉब कर रही है, डेली डेली अब देखें कोई भी होगा तो वो मुझे ऑफिस से नहीं देगा परमिशन जाने की। लेकिन फिर भी मैं, मेरे बहुत अच्छे थे ऑनर्स वगैरह सारे मेरे, तो मेरे मैनेजर बड़े अच्छे थे जो मुझे जाने देते थे कि सर प्लीज मुझे आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, लेकिन ये आते ही नहीं थे वहां पे। फिर उसके बाद कोविड आ गया, कोविड की वजह से सब कुछ बंद हो गया। अब जब मुझे किसी ने बताया कि वहां पे एक मैम बैठी है नेहा कश्यप करके, तो वो सारा कुछ देख रही है रिफ्यूजियों का, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अब वो आई है वहां पे, उनको अपॉइंट किया गवर्नर ने शायद उनको। मैं उनके पास गई, मैंने उनको सारी स्टोरी सुनाई कि मैम ऐसे ऐसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी लेडी है वो। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, उन्होंने एक हेयरिंग डाली, ये लोग नहीं आए, सेकेंड हेयरिंग डाली, वो ये लोग नहीं आए, फिर थर्ड हेयरिंग डाली, ये लोग नहीं आए। फिर जब फोर्थ हेयरिंग पे उसने कोई ऐसा नोटिस भेजा, मेरे पास शायद वो नोटिस भी होगा, उन्होंने दिया है, उन्होंने मैम ने भेजा ये मेरी तरफ से ये नोटिस किया इनको कि आप, आपको इतने सारे बोल दिया, इतनी बारी बोल दिया, अब आपको आना पड़ेगा पीआरओ के ऑफिस, ठीक है। फिर ये आते हैं वहां पे, मेरी मदर इन लॉ आती है गुरदयाल कौर, और मेरी सिस्टर इन लॉ आती है कुलविंदर कौर सोनू, और उसके हस्बैंड आते हैं इंद्रपाल सिंह बिट्टू, ठीक है। आते हैं और बैठते हैं, आपको पता है अब जैसे मैं तो यंग हूँ तो मेरी सास तो बूढ़ी है, तो सब जरा थोड़ा बूढ़े बंदे को देख के सबको दुख लगता है कि बुजुर्ग है, ठीक है। और वो आके बैठती हैं और फ्रॉम द फर्स्ट ही वो हल्ला करना शुरू कर देती हैं कि क्या कोई रूल रेगुलेशंस, हमारे पास वॉइस मैसेज भी है, हमने पूरी रिकॉर्डिंग की है उनकी आवाज़ की भी, कि कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, बूढ़े इंसान को आप परेशान कर देते हो, आज के बाद हमें खबरदार कोई ऐसे आप कोई नोटिस हमारे घर पे नहीं आने चाहिए, ये वो लटरम पटरम। तो वो मैम चिल्ला के बोली कि आप आराम से बोलें, आपका सफ़ेद सर हो गया हुआ है, ये मतलब नहीं है कि आप बुजुर्ग हैं तो आप कुछ भी बोलेंगे, या ये आपकी बहू है तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टी लूट के ले जाएगी या इसको गवर्नमेंट ले जाने देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपका हक है तो इसका भी हक है। फिर वो बोल, मेरी उन्होंने बोला, मैम ने बोला कि आपने लीगल हायर जब बनाया तो आपने अपने इसके अपने बेटे को क्यों नहीं मेंशन किया, अगर बेटा मर गया उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाती, उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है। वो आगे से मेरी मदर इन लॉ बोलती हैं कि मैं अनपढ़ ते मैनू ते पता नहीं, तो इसका मतलब अगर वो अनपढ़ है तो ये सारी गेम इनकी बेटियां और इनके दामाद चला रहे हैं, ठीक है। वो कहती है मैं अनपढ़, उन्होंने कहा कि अगर आप अनपढ़ हो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाएगा आप साइन कर देंगे उसके ऊपर, अगर आप विल बनाती हैं तो क्या आपकी बेटियां अगर आपको विल बना के देती हैं तो आप उस पे साइन कर देंगे। ये मैम बोलती है, आगे से बोलती है नहीं नहीं इस तरह तो नहीं होता, लेकिन मैं इदे विचो इन्नू कुछ नहीं देना, इदे बच्चियां नू कुछ नहीं देना, इन्हें मेरी सेवा नहीं की, यह मैंने छड़ के चली गई, ये माँ पुत्र इन्ना कमाते पे, इन्होंने सानू कदे 10 रुपए की दवाई भी नहीं लैके दी। फिर मैम ने बोला ये लाखों कमाए करोड़ों कमाए, वो उनकी सिरदर्दी है, लेकिन आप इस पे बात करें कि आपने ये 400B में कैसे लीगल हायर बना लिया, ये लीगल हायर है जो मेरी मदर इन लॉ ने बनाया, अपना नाम और चरणजीत को और अपनी बेटी का नाम दिया उन्होंने। अच्छा। उन्होंने मेरे हस्बैंड को या मेरे बच्चों को या मुझे मेंशन ही नहीं किया। फिर उन्होंने, मैम ने बोला कि मैम आप कुछ भी आंटी कर लो, चींक लो, चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसका हिस्सा बनता है उसमें, आपको इसको देना ही पड़ेगा। बोलती अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ। तो अभी जो रिफ्यूजियों की पेमेंट आप बोल रहे हैं वो आपके अकाउंट में है कि उनके अकाउंट में आई है? वो क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपना लीगल हायर बनाया ना, उन्होंने खुद लीगल हायर बनी है, वो खुद बन के तो वो उसमें आई है। अच्छा, ये है वो? हाँ, ये वो लीगल हायर है, ठीक है। इन्होंने 400BC में लीगल हायर बना लिया और फिर साथ साथ में मुझे फारगति दे दी उन्होंने, उन्होंने मुझे फारगति भी दे दी, मुझे और मेरे बच्चों को। ये कब दी फारगति? 2000 मेरे को लगता है 18 इस पे मेंशन होगा, मुझे पूरी डेट कंफर्म नहीं है इसकी। ये तब दी जब इन्होंने रिफ्यूजियों का पैसा लिया। कितना पैसा था रिफ्यूजियों? 5.5 लाख। वो सारा का सारा बोलेगे? सारा का सारा उन्होंने लेके, क्योंकि हम लोग ये जो तालाब खड़िका वाला घर है ये कस्टोडियम का घर है। फिर इन्होंने वो जो पैसा लिया, इन्होंने घर बनाया वहाँ पे। आप सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि उस पेमेंट से आपको पेमेंट? हाँ, मेरा जो हिस्सा, आधा हिस्सा कि पूरा ही? पूरा नहीं, देखिए गलत बात नहीं करनी, पूरा नहीं। मैंने इनको बोला कि थर्ड शेयर मेरा बनता है, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग जो बेटी घर पे होती है उसका भी हिस्सा बनता है। तो मैंने इनको बोला 2 हिस्से आप रख लो, थर्ड हिस्सा जो मेरा बनता है वो आप मुझे दे दो। आप बताएं मैंने क्या गलत बोला, मैंने दूसरा हिस्सा भी नहीं मांगा। मैंने थर्ड शेयर जो मेरा बच्चों का बनता है आप मुझे थर्ड शेयर मेरे बच्चों का दे दीजिए। जो गोल्ड है वो मेरे हस्बैंड की कमाई का है। नहीं, इसमें आपको कोई गवर्नमेंट का फॉल्ट तो नहीं लग रहा? गवर्नमेंट का फॉल्ट क्या है?
आप किसको ब्लेम करेंगे? अब देखिए गवर्नमेंट को ये तो नहीं ना पता, जैसे PROs हैं या वहाँ पे जो DC ऑफिस में जो बैठते हैं उनको थोड़ी पता है कि इन माताजी का कोई बेटा भी होगा। अगर मैं ही अभी चली जाती हूँ, मैं अपनी बेटी को ही खाली मेंशन करती हूँ। अब जैसे मेरी बेटी साथ में आई है, मैं इसको ही बताती हूँ कि हाँ जी मेरी एक ही बेटी है, आपको कैसे पता चलेगा मेरा बेटा भी है जब तक मैं खुद नहीं बताऊंगी? जब ये खुद ही नहीं जाके बताएंगे, अगर इन्होंने लीगल हायर बना लिया कि ठीक है जी ये क्या बोलते हैं मेरी बेटी और मैं दो ही बंदे हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि इनका बेटा भी है या तीन बेटियां और भी हैं इनकी? वो तो हम बताएंगे तो उनको पता चलेगा ना। तो ये तो फ्रॉड हो गया, ये तो 420C होगी ना, इन्होंने 420C से ये लीगल हायर बना लिया। कोई आपने कंप्लेन की है? मैंने वही बैम के पास ही गई हूं। वो बोले कि हम मैं करवा दूंगी, उन्होंने बोला मैंने बड़े केस करवाए हैं, लेकिन लास्ट में उन्होंने भी हाथ जोड़े, उन्होंने कहा उन्होंने इनको भी बोला कि माता जी ये आपके ऊपर कोर्ट केस कर सकती है, इसको चैलेंज कर सकती है आपकी फारगती को। वो बोलते हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास पैसा है। वो मनमीत सिंह जो है बिट्टा, वो पहले तरलोचन सिंह वजीर के साथ था, वो पहले उनकी धमकियां देता था, तो इससे उसकी बॉन्डिंग अच्छी है मार्केट में, उसने लॉ भी किया हुआ है, वो बड़े सारे लॉयर्स को भी जानता है, सबको जानता है, तो उसको पता है। और इनके पास पैसा है, सबसे बड़ी बात है इनके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा छोटा मोटा वकील करूंगी। मैं अब वहां पर दे तो सकती नहीं, किसी को रिश्वत है तो चढ़ा नहीं सकती, सिफारिशें तो डलवा नहीं सकती। अभी आप लास्ट में क्या मांग क्या करना चाह रही? बस ये मेरा रिफ्यूजियों का जो मेरा पैसा है, मेरे बच्चों का जो हक बनता है वो इनको दिया जाए, जो मेरा गोल्ड है, जो मेरे हस्बैंड का पैसा है, जितना शेयर मेरे बच्चों का बनता है वो मेरे बच्चों को दिया जाए, और मेरी जो बटोत वाली जमीन है वो मेरे हस्बैंड के नाम की है। तो प्लीज मुझे हरास ना करें, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, वो मेरे हस्बैंड के नाम की है, वो प्रॉपर्टी मेरी है, वो जगजीत सिंह की मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर जो इन्होंने स्टे लगाया उसका कोई ना कोई फैसला हो, और मेरे हक में, मेरे बच्चों के हक में, क्योंकि मेरे पास अब बस एक वही जरिया अपने बच्चों को सेटल करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी घर बनाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। मेरा बेटा अभी सेटल नहीं है, वो 6 महीने के उस पे गया है, कल को वो 6 महीने के बाद फिर वापस आएगा, मुझे आगे उसका फ्यूचर कुछ सोचना है। ये आप कहाँ रह रहे हो? अभी मैं जानीपुर रह रही हूँ। उस घर को भी इन्होंने आधा मेरे से लिया हुआ है। अब ये मनमीत और वो ये इंदरपाल जो है, आप देखोगे हर जगह आपको इसके इंदरपाल के ही साइन दिखेंगे, हर जगह इंदरपाल के साइन दिखेंगे, सब जगह पे इंदरपाल के साइन होंगे, फ्रॉड में, हर चीज में। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बटोत वाला जमीन मेरे को मेरी वापस दी जाए, मेरी गोल्ड मेरे बच्चों को दिया जाए, और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और कल को मुझे या मेरी बेटी, क्योंकि मैं स्कूटी चलाती हूँ, ठीक है, कल को मुझे कुछ हो जाता है, मैं एक्सीडेंट से मर जाती हूँ, या घर पे, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मेरी बेटी नानी के घर पे रहती है, मैं बिल्कुल अकेली अपने घर पे रहती हूँ, कल को मुझे कुछ हो जाता है, या मेरे बच्चों को कुछ होता है, या मेरे पेरेंट्स को, या मेरे मतलब मायके में अगर किसी को होता है, तो उस सबके जिम्मेवार ये गुरदयाल कौर, चरणजीत कौर, निंदरपाल नरेंद्र कौर, कुलविंदर कौर, कमलजीत कौर, मनमीत सिंह, अमरजीत सिंह, और ये इंदरपाल सिंह और हरमिंदर सिंह जो मेन बंदा है, ये महिंद्रा में काम कर रहा है, सब फेक डॉक्यूमेंट्स बना के। अब मैं महिंद्रा और महिंद्रा वालों से भी जरा रिक्वेस्ट करती हूँ, वो भी जरा इसको देखें कि कैसे 8वीं फेल बच्चे को उन्होंने इतनी अच्छी, वो ट्रकिंग में कुछ कर रहा है वो लड़का, उसने मेरे हस्बैंड के साथ भी 420C की थी, अब वो भी हर जगह, अगर कहीं पे स्टे लेना है, कहीं पे करना है, वो हर जगह वो पहुंचता है। कल को मेरी बेटी को कुछ होता है या कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार ये लोग हैं। शुक्रिया हमसे बात, थैंक यू। तरनप्रीत की तरफ से जो आरोप लगाए गए उन्हें वेरीफाई करना जरूरी था, और जब हमने वेरीफाई किया उनके ससुराल पक्ष में कॉल करके, तो पहली एक दो कॉल में ये हमें उनकी तरफ से ठीक रिप्लाई नहीं आया, ये भी कहा गया कि हम नहीं जानते कि कौन तरनप्रीत, लेकिन उसके बाद बैक कॉल आए, शायद उन्होंने वेरीफाई किया हो तो उन्हें मालूम पड़ा होगा कि कौन सी तरनप्रीत है, तब बैक कॉल आई और उन्होंने ये कहा कि जितने भी उन्होंने आरोप लगाए हैं ये सारे के सारे आरोप जो हैं, वो ये सारी लड़ाई जो है वो कोर्ट में लड़ी जा रही है, और कोर्ट इसमें जो फैसला देगा वो हमें भी मान्य होगा और हमें लगता है कि तरनप्रीत को भी मान्य होगा, लेकिन आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें कि इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ज़रूर अपनी राय रखें। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दें इजाज़त। नमस्कार।